वो सब नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक जब से शिक्षा विभाग का कमान संभाले हैं, तब से लगातार शिक्षा विभाग सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आज नालंदा जिले के नगर रौसा पहुंचे, जहां उन्होंने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। सबसे पहले मध्य विद्यालय नगर रौसा पहुंचकर उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों से सवाल जवाब भी किए। सवाल के बाद बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर से वह स्वयं संतुष्ट हुए और बच्चे को उत्साह को बढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों को वेरी गुड कहा। निरीक्षण के दौरान के पाठक ने विद्यालय में बन रहे शौचालय को तोड़कर विद्यालय परिसर में बने जर्जर भवन को तोड़कर उसी जगह शौचालय बनाने का निर्देश दिया। मध्य विद्यालय के निरीक्षण करने के बाद के पाठक हाई स्कूल नगर नौसा पहुंचे। हाई स्कूल के निरीक्षण के क्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को कई खामियां मिली, जिससे के पाठक ने प्रधानाध्यापक पर नाराजगी जाहिर करते हुए अविलंब सभी खामियां दूर करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में हाई स्कूल के खेल परिसर में बने कमरा में पशु चारा देखकर वह आग बबूला हो गए, जिसे अविलंब खाली करवा कर इसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय का लाइब्रेरी के कमरा में अंधेरा देखकर प्रधानाध्यापक पर भी बिफर पड़े। उन्होंने लाइब्रेरी में रोशनी का पूरा व्यवस्था करने का निर्देश दिया, साथ ही साथ जनरेटर खरीदने का भी उन्होंने आदेश दिया। विद्यालय में बन रहे शौचालय पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि सही जगह शौचालय निर्माण नहीं हो रहा है। बन रहे शौचालय को तोड़कर बाउंड्री वॉल से लेकर शौचालय का निर्माण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में लगा चापाकल का हैंडल खोलकर रखे जाने पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने अविलंब चापाकल में हैंडल लगाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सभागार का ताला खोलने का भी निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि सभागार में बच्चों की पढ़ाई हो और सभागार में कोई भी कार्यक्रम या सभा विद्यालय बंद होने के बाद किया जाए। निर्देश देने के बाद भी सभागार का एक भी ताला नहीं खुलने पर उन्होंने कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान में भारी बारिश हो रही थी और काफी तेज बारिश के कारण वो लगातार निरीक्षण करते नजर आए। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भारी बारिश के बीच भी विद्यालय का निरीक्षण करते नजर आए और आज नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के कई विद्यालयों का उन्होंने निरीक्षण करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया।